फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि पांडे जी टेक्निकल 2.0 चैनल के माध्यम से आप लोगों की सेमेस्टर की क्लासेस रेगुलर कराई जाती है, तो ऐसे में फिलहाल तो अभी बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल और फिजिक्स और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, इन चार सब्जेक्ट की क्लासेस जो है आप लोगों को रेगुलर मिला करती हैं। तो यदि आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेक्शन चेक करेंगे तो अभी तक यदि आपने बहुत सारे लेक्चर यदि आपने अभी तक नहीं देखे होंगे तो वो सभी लेक्चर के बारे में आपको पता चल जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल की यह आज की दूसरी वीडियो है और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कवर करने वाले हैं कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन के बारे में। ठीक है, जो कम्युनिकेशन स्किल का कुछ ग्रामर का जो पोर्शन होता है जिसमें आप लोग को पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट होती है और सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, इसकी डिटेल आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में कम्युनिकेशन स्किल का डिटेल सिलेबस का लिंक है, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन के माध्यम से आप पूरे कम्युनिकेशन स्किल के सिलेबस के बारे में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कम्युनिकेशन स्किल के सिलेबस के बारे में हो गया। तो कुछ इसमें थ्योरी पोर्शन होता है इंग्लिश का और इसके साथ साथ कुछ आपका ग्रामेटिकल पोर्शन होता है, तो ग्रामेटिकल पोर्शन आज हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे आपको। चलिए, ग्रामेटिकल पोर्शन में सबसे पहली बात जो आती है पार्ट ऑफ स्पीच में, तो आप लोग जानते हैं कि देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। यदि हम नाम लें तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो आपको मैं बता देता हूँ कि इन आठों के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, आपको यदि अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप लोग को जितना दिया रहता है आपको उतना ही पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस में आप लोग की सारी चीज़ें नहीं दी हुई हैं, तो आपको जो जो चीज़ें दी हुई हैं सिलेबस में यदि आप सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं तो भी आप लोग का काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ज़रा हमारे कर्सर पर ध्यान दीजिएगा, मैं नाउन का डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ। तो नाउन का डेफिनेशन हो जाता है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। इसका मतलब ये है कि जो हमारा नाउन है ये रेफर करता है किसी भी पर्सन के नाम को। ठीक है, किसी भी पर्सन के नाम को नाउन रेफर करेगा, या किसी एनिमल का नाम होगा तो नाउन रेफर करेगा, कहीं किसी प्लेस के बारे में बताया जाता होगा तो वो नाउन होगा। ठीक है, या फिर किसी थिंग्स या फिर किसी आइडिया और इवेंट को भी बताया जाता होगा तो वहाँ पर नाउन की बात आ जाएगी। ठीक है, यानी कि नाउन इनकम्पास ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, नाउन कैन बी पर्सन, इसका मतलब जो नाउन होगा वो कोई पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, न किसी पर्सन के नाम को हम नाउन कहेंगे, जैसे कि यदि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि बॉब, माइकल, कैथरीन, मैक्स, जूली, ये सारे क्या हैं, किसी न किसी पर्सन के नाम हैं, तो किसी न किसी पर्सन के नाम जो होगा तो वो नाउन होगा। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, आपका नाम यदि कहीं आएगा किसी सेंटेंस में, पूछा जाएगा इसमें बताइए कि नाउन क्या है, तो आपका नाम जो है ये नाउन होगा। इसके अलावा किसी चीज़ जो भी आप अपने आसपास देख रहे हैं यदि उसका नाम है, इसका मतलब वह नाउन है। जैसे एनिमल, मैंने एनिमल की बात की, तो एनिमल के लिए मैं बात कर लेता हूँ, तो एनिमल के बाद में बात कर लेता हूँ, तो जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, काउ हो गया, कंगारू हो गया, ये सबका नाम है पर्टिकुलरली, ये डॉग है, ये कैट है, ये काउ है, तो इस तरीके से एनिमल का नाम भी सारे के सारे नाउन में आ जाएंगे। ठीक है, प्लेस की मैं बात कर लेता हूँ, तो नेम ऑफ ए प्लेस, जैसे लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, मुंबई एक्सेट्रा। ठीक है, आज जैसे देख रहे हैं ताजमहल, तो ताजमहल का नाम है। ठीक है, तो ये ताजमहल का नाम है तो क्या हो गया, ये एक प्रकार का नाउन हो गया। ठीक है, अब नाउन में भी बहुत सारे इसके टाइप होते हैं, तो नाउन के टाइप के बारे में भी मैं अभी इसी वीडियो में आगे चर्चा करूंगा। कार है तो आपका कार का नाम, हाँ भाई ये कार है, इसको साइकिल आप नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार के नाउन में आ जाएगा। किसी भी प्लेस का नाम है, जैसे आपके अपने गाँव का नाम है, ठीक है, वो भी नाउन है, या किसी देश का नाम है, या किसी कॉन्टिनेंट का नाम है, या किसी सब कॉन्टिनेंट का नाम है, तो ये सारे सारे नाउन हो जाएंगे। या फिर मैं किसी थिंग की बात करूँ, जैसे कि मैं बैट की बात करता हूँ, बैट, बॉल, चेयर, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी दोस्तों, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं आपके नाउन के अकॉर्डिंग। ओके, तो नाउन आप लोग को उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ये जनरल डेफिनेशन होता है नाउन का। अब मैं टाइप की बात करता हूँ, तो नाउन के टाइप में आप लोग को पढ़ना है प्रॉपर नाउन के बारे में पहले। ठीक है, तो नाउन के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ लिया, अब नाउन के टाइप में जब सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं, देखिए आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊँगा मैं कि आप लोगों को सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है कि इसका डेफिनेशन आप लोग का हो जाएगा कि प्रॉपर नाउन इज अ नेम, ठीक है, विच रेफर ओनली टू अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग, एंड देयर इज नो कॉमन नेम इट। ओके, इन रिटन लैंग्वेज ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगेन विथ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर एक पर्सन के बारे में बोलेगा, ठीक है, किसी भी एक प्लेस के बारे में बोलेगा, किसी भी एक थिंग के बारे में बोलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं बताया कि मेलबॉर्न, ठीक है,
तो मेलबोर्न क्या है, एक प्रकार के सिटी का नाम है, तो इट रेफर टू ओनली ए पर्टिकुलर सिटी, जैसे आपके अपने गांव का नाम बता दिया, ठीक है, तो वो एक प्रॉपर नाउन में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कि मैं बता दिया दिल्ली, तो दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, जिसमें दिल्ली क्या है, एक प्रॉपर नाउन है जो कि रेफर करता है सिर्फ और सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर सिटी को, ओके। अब दूसरा दिल्ली नहीं है, मुंबई, तो मुंबई अब क्या हो जाएगा आप लोगों का, तो मुंबई भी एक प्रकार का सिटी है जो कि एक पर्टिकुलर सिटी को व्यक्त करता है। मुंबई कहेंगे तो अब लोग अहमदाबाद नहीं ले लेंगे, मुंबई मतलब ओनली मुंबई। तो जो भी इट रेफर टू ओनली पर्टिकुलर सिटी, अगर इट रेफर टू ओनली अ पर्टिकुलर पर्सन, यदि इट रेफर टू ओनली अ पर्टिकुलर प्लेस एंड इट रेफर टू ओनली अ पर्टिकुलर थिंग्स, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये प्रॉपर नाउन। स्टीप्स रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। राज रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन, रोशन रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन, मतलब पर्टिकुलरली किसी के बारे में कहा जाएगा ना, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसके पहले वाले में ताजमहल, ताजमहल इज अ फेमस बिल्डिंग, तो इज इट रेफर टू ओनली अ पर्टिकुलर बिल्डिंग ताजमहल, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ना, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। प्रॉपर नाउन काफी आसान है, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। लेकिन वही यदि हम कॉमन नाउन के बारे में बात करें, तो कॉमन नाउन क्या होता है कि ए कॉमन नाउन इज अ नेम फॉर समथिंग विच इज कॉमन फॉर मेनी थिंग्स पर्सन और प्लेस, इट इनकॉम्पेसेस ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग्स पर्सन और प्लेस। इसका मतलब देखिए, कॉमन नाउन में क्या हो जाएगा आपका, यदि मैं कह दिया कंट्री, तो कंट्री इज अ एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन बिकॉज इट रेफर टू एनी कंट्री, नथिंग इन ए पर्टिकुलर कंट्री। इसका मतलब हो गया, कंट्री में कह दिया तो वो ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है, वो श्रीलंका भी हो सकता है, वो भारत भी हो सकता है। जैसे मैंने कह दिया सिटी, ठीक है, टेल मी द नेम ऑफ ए सिटी, किसी एक शहर का नाम बताइए, तो आप मुंबई भी बस बता सकते हो, आप मेलबर्न भी बता सकते हो, आप कैनेडा भी बता सकते हो, आप कुछ भी बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं कह दिया कि टेल मी द नेम ऑफ ए प्लेस, तब किसी एक जगह का नाम नहीं बता, मैं पर्टिकुलर प्लेस के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, आप किसी भी प्लेस के बारे में बता सकते हो, ठीक है। जैसे जानवर है, एनिमल, तो एनिमल में काफ़ी सारे एनिमल आ जाएंगे, तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। पर्सन, पर्सन में बहुत सारे पर्सन आ जाएंगे, तो ये आपका कॉमन नाउन में हो जाएगा, ठीक है। और इसी कॉमन नाउन करके किसी एक व्यक्ति का नाम रख करके बोलेंगे, तो वो आ जाएगा आप लोगों का किसमें, प्रॉपर नाउन में, ओके। क्लियर हो गया, यदि क्लियर हो गया हो तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। अगला है आप लोग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड फॉर समथिंग दैट कैन बी सीन बट इज देयर, देयर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, जनरली इट रेफर टू द आइडियाज, क्वालिटी एंड कंडीशन। ये क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड, ठीक है, फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन, वो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन बट देयर इज, ये मतलब कि ये क्यों एग्जिस्ट करता है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ठीक है। ये सिर्फ क्या करता है, आइडियाज और क्वालिटी और कंडीशन को व्यक्त करता है। जैसे यदि हम बात करें ट्रूथ, मतलब सच्चाई, सच्चाई कहीं दिखती नहीं है, लेकिन इसका आइडिया ये एग्जिस्ट करती है, फिजिकल एग्जिस्टेंस भले नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका आइडिया नहीं, विचार जो है ये लाई करता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग की प्रसन्नता हो गई, हैप्पीनेस, दोस्ती हो गई, फ्रेंडशिप, ठीक है, ह्यूमर हो गया, पेट्रोलिज्म हो गया, तो समय हो गया, समय कभी किसी को दिखता नहीं है, लेकिन समय एग्जिस्ट करता है, ठीक है, फिजिकल एग्जिस्टेंस भले इसका संभव नहीं है। तो इस तरीके का नाउन को हम क्या कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो डेफिनेशन याद कर लीजिएगा सिंपली, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन बट इज देयर, देयर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, जनरली इट रेफर्ड टू आइडियाज, क्वालिटी एंड कंडीशन। तो ये आप लोगों को नाउन के बारे में इतनी सारी जानकारी, जो आप लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, जो आपका ग्रामेटिकल पोर्शन होता है वहाँ से, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ों को उम्मीद है आप तैयार कर लीजिएगा, बाकी मिलेंगे हम कम्युनिकेशन स्किल के नेक्स्ट वीडियो में।